एट दी प्रेजेंट हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन चुका है कि हमारे पापा बोलेंगे कि बेटा इंजीनियरिंग करना है तो सीएस ब्रांच लेके, कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेके ही करना, और हम बोलेंगे कि हमें आईटी लेना है या ईसी लेना है या अदर ब्रांचेस लेना है, तो वो सब हमारे गार्जियन सीधा मना कर देंगे, नहीं अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो कंप्यूटर साइंस ही करना है। उन्हें ये नहीं पता कि सीओई क्या है, सीएसई क्या है, सीएस क्या है, पर वो सिर्फ बोलते हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि डिफरेंस क्या है सीएस में, सीएसई में और सीओईएम में और आईटी में, और कहीं कहीं ब्रांचेस लगती है जैसे डीटीयू वगैरह में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच लगती है, तो उनमें क्या डिफरेंस है, तो आज की वीडियो में बात करेंगे। हो चुका है ठीक है, और अपने आप उनको गोल से नहीं भटकना। आपका एक सपना बन चुका है कि मेरे को एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है, मेरे को वेब डेवलपमेंट सीखना है, मेरे को मशीन लर्निंग सीखना है। 1.5 से 2 महीने मेरे चैनल के साथ बने रहो और फिर आप देखो अपना लेवल कहाँ। देखो यार, इंट्रो में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया कि हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, और आजकल हमारा एजुकेशन सिस्टम ये बन ही चुका है क्योंकि कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, इसलिए सबको लगता है कि हम अपने मतलब अपने स्टूडेंट को या फिर अपने बच्चे को उसमें ही पढ़ाएं क्योंकि उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे प्लेसमेंट के। वो कोई नहीं जानता कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या हर ब्रांच एक अलग मोटिव के लिए होती है या फिर हर ब्रांचेस का एक अच्छा मतलब स्कोप होता है, हर चीज़ों का एक रीज़न होता है बनाने से पहले। तो आज की वीडियो में जनरली हम ये सब बातें नहीं देखने वाले, हम ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या है सीएस में और सीएसई में और सी। देखो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास एक है सीएस और दूसरा है हमारे पास सीएसई और तीसरा है हमारे पास सीओई। ठीक है, जो सीएस है वो फुल्ली सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, मैं अगर बोलूं 100% में से मैं उसको मार्क्स दूं तो वो फुल्ली सॉफ्टवेयर होता है 100%। ठीक, और अगर मैं सीएसई की बात करूं तो सीएसई में आप ये बोल सकते हो कि छोटा सा फ्रैक्शन, बिल्कुल छोटा सा फ्रैक्शन 100 में से 5 to 10% थोड़ा सा हार्डवेयर पार्ट होता है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ देखो कि सीएस में फुल सॉफ्टवेयर हो गया और सीएसई में थोड़ा पार्ट हार्डवेयर का आ गया। ठीक, अब अगर मैं थर्ड की बात करूँ जो मेरा सीओई है, कहीं कहीं पे सीओई भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि वो एक आप ऐसे समझ सकते हो कि उसने ईसी से मतलब वो थोड़ा इंटरकनेक्टेड। फाइनल में सीओई के बारे में बोलूं तो सीओई यही है कि मतलब ईसी और थोड़ा सा मिला के कंप्यूटर साइंस की ब्रांच को मिला के और एक नई ब्रांच बना दी गई जो कि सीओई है। ठीक, और कहीं कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी लगता है, जैसे डीटीयू वगैरह में आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ब्रांच होती है। ठीक, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे सीएस से जो ये तीन ब्रांचेस आती हैं कि सीएस है, सीएसई है एंड लास्ट में अपनी जो सीओई थी, ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब मैं बात करूं आईटी ब्रांच की। देखो सीएस और आईटी ब्रांच में क्या डिफरेंस है। देखो मैं आईटी ब्रांच में बताने से पहले ये बता दूं कि प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से ये सब चीज़ें बिल्कुल प्लेसमेंट मतलब बिल्कुल सेम है, चाहे वो कोई भी कंपनी आती, कोई भी कैंपस आती, तो उनके लिए आप जो स्टूडेंट सीएस वाला है, सीएसई वाला है, सीओई वाला है, वो तीनों एक ही तरीके से वो देखेगी। ठीक है, तो प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से ये मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक, अब आईटी की देखो, आईटी कोई डिफरेंस नहीं है सीएस आईटी में, बस ये था कि देखो जब सीएस ब्रांचेस में ज़्यादा कट ऑफ जाने लगे तो सबको एडमिशन किस में चाहिए थे, सीएस में। ठीक, अब गवर्नमेंट कॉलेज में तो चल जाता है वहाँ पे, लेकिन प्राइवेट में क्या किया गया कि हमें सब अपने बच्चे को कहाँ पे सीएस में डलवाना चाह रहे थे कि हमें सीएस पे एडमिशन चाहिए, तो वहाँ पे सीट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि हम एक काम करते हैं कि अगर 120 सीट या फिर 60 सीट अगर मेरे पास सीएससी की है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 50 या 40 सीट या फिर 60 सीट आईटी की डाल देता हूं। तो मतलब समझ लो एक तरीके से ज्यादा सीट्स मतलब लाने का या फिर एडमिशन लेने का उन्होंने एक आईटी ब्रांच अलग कर दी। ठीक, अब आईटी और सीएस में तो कोई डिफरेंस नहीं है। देखो जैसे कि मैं आईटी ब्रांच का हूँ और मेरे सीएस वाले भी दोस्त हैं, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। बस डिफरेंस यही होता है कि हमें एक बार डिजिटल थोड़ा एक सेमेस्टर में ज़्यादा पढ़ा देते हैं, और अभी हमें डीबीएमएस पहले लग रहा है, उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहले लग रही, डीबीएमएस बाद में लगेगा। देखो मेन इन दोनों में मैं ये सब इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब इसलिए बोलते हैं। 80% जो सिलेबस है वो तो सेम है। ठीक, अब जो मेन सब्जेक्ट होते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सिस्टम डिजाइन हो गया, या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया, या डीबीएमएस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ये जो मेन मतलब जो आप जैसे आपकी प्लेसमेंट सेशन होती है तो वहां पे पहला आपका कोडिंग राउंड हो गया। ठीक, आपने कोडिंग राउंड निकाला, दूसरा आपके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो इंटरव्यूज में इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक, तो ये जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो अपने सीएस में भी होते हैं, आईटी में भी होते हैं। इसलिए जो प्लेसमेंट के तरीके से देखा जाए तो कंपनियों के लिए ना
कोई डिफरेंस है सीएस और आईटी में, वो एक ही तरीके से मतलब उसको डील करती है। अगर पैकेज देखो, एवरेज पैकेज देखो, क्योंकि बहुत सी कंपनियां आती हैं वो सबसे पहले सीएस आईटी को ही अलाउ करती हैं, ईसी को भी 100 में से 60% 70% अलाउ कर देती हैं, पर मतलब मेनली जितनी भी कंपनियां आती हैं प्लेसमेंट सेशन के लिए वो हमेशा सीएस आईटी को अलाउड करती है, क्योंकि जो मेरे मेन सब्जेक्ट है वो इंटरव्यू पूरे 8 सेमेस्टरों जो होते हैं उनमें सेम होते हैं, और वो वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बस इतना ही था कि सीएस और आईटी में ये डिफरेंस है कि भाई उनको सीट बढ़ाना था इसलिए उन्होंने कर दी, और डिफरेंस कोई नहीं है। 80 to 90% सिलेबस सेम है, और बस थोड़ा सा उन्हें कभी ये सब्जेक्ट आगे पढ़ा देंगे, कभी वो सब्जेक्ट पीछे पढ़ा देंगे, अपन को सब यही सब होता है सीएस आईटी में। हाँ, थोड़ी बात ईसी की आई है अगर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच की, तो उसकी भी बात कर लेते। देखो क्या होता है कि अगर आप ईसी में हो तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको कंपनीज नहीं आएंगी या फिर आपको आपको मतलब प्लेसमेंट सेशन के मौके नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर 100 कंपनी आ रही है अगर आपके कॉलेज में, तो उसमें से 70 to 60% कंपनियां ईसी को भी अलाउड करती है। ठीक, सीएसआईटी तो वो तो अलाउड करती ही करती हैं, पर अगर आप ईसी ब्रांच से हो तो 100 में से 70% ईसी को भी कंपनियां अलाउड करती है। ठीक, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि भाई सीएस में क्या डिफरेंस है, जो सीएस पूरा सॉफ्टवेयर है, सीएससी क्या है, मेरा थोड़ा सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर है, और सीओई क्या है, मेरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, और ईसी से उसमें थोड़ा सा ईसी की भी उसमें कुछ चीजें डाल दी गई, और आईटी के बारे में मैंने आपको बताई दिया। और अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल आपको ब्रांच लेना है तो क्या उसके आगे क्या हो, क्या वो हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, सिविल के क्या होंगे, मतलब बेसिकली वो मैकेनिकल वर्सेस सिविल वर्सेस एंड इलेक्ट्रिकल ईएक्स वर्सेस सब ब्रांचेस के बारे में बात करूं। क्योंकि देखो जब मेरा एडमिशन सेशन चल रहा था तो मैं बहुत परेशान था कि मुझे कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, और मैंने फिर सीएस छोड़ के आईटी ली, क्योंकि देखो अपने एजुकेशन सिस्टम, मैंने बताया आपको कि हमारे लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है कि अगर इसको सीएस नहीं मिला होगा तो फिर ये आईटी में आए, तो ऐसा चीजें नहीं होती, हर चीजों के लिए एक पीछे मोटिव बनाया होता है। पर सीएसआईटी जनरली सेम है, अगर आपको आईटी अच्छी जगह पे मिल रही तो आप बिल्कुल आईटी लो। अगर जैसे मान के चलो आपको कहीं दूर पे सीएस मिल रहा है और आपके घर के पास पे आईटी मिल रही है, अगर आपको ऐसे कॉलेजेस मिल रहे हैं और दोनों कॉलेजेस सेम है और प्लेसमेंट सेशन से, तो आप बिल्कुल आईटी ले लो, आईटी कोई डिफरेंस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बस आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।